करी नाश्ता। आवाज देखो मेरी कैसी बैठी हुई है, इसलिए रात को मैं आई बैठी घर से, ढोलकी थी मेरी भांजी की क्योंकि उसकी मंगनी है मंगल वाले दिन। तो सॉरी आप लोगों को, मैं कोई भी जो आपको पता खानदान में कोई भी मैं वीडियो का नहीं बनाती, वीडियो उनकी किसी भी किस्म की ना, यहाँ तक कि मैंने अपने अबू के इंतकाल की भी नहीं बनाई थी। क्योंकि खानदान में ऐसी कोई बातें बातें बनती है तो फिर अच्छी बात नहीं होती, तो इस वजह से मैंने ना कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है, यहाँ कर रही हूँ मैं ये नाश्ता, देर हो गई है इसलिए कि पहली बात तो ये कि नींद नहीं मेरी पूरी हुई, 4 बजे तक मैं आई हूँ तो फिर मैं सो गई और अभी मैं उठी हूँ। तो यहाँ नाश्ता मैं कर रही हूँ, बताती हूँ मैं किस चीज़ से कर रही हूँ। एक रस है प्रो बैठी हुई नाश्ते के लिए। अभी इसकी चिकन है ना वो गर्म हो रही है, वो थोड़ी बहुत जो थी वो तो मैंने दे दी थी चिकन। और ये देखें केक रस, सही है स्टिक वाले केक रस है, और बहुत इसमें चीनी भी लगी हुई है और तिल भी लगे होते हैं, ये देखें बहुत मज़े के होते हैं। तो मैं नाश्ता कर रही हूँ और गरम गरम चाय के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी प्यारी हवा आ रही है और कल ना हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन चलो थोड़ी बहुत तो होना शुरू हो गई ना। अभी कह तो रहे हैं कि भाई वो जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है, अभी तक तो लगता नहीं है मुझे इम्कान है क्योंकि इतनी तेज़ यहाँ पर धूप आ रही है। मुझे लगता है कि इस दफा जो ना अल्लाह ताला हम पर भी बाहर रहमत बरसाएगा। चले जी, अभी मैं क्या लेकर आई हूँ सामान, लाइट मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, भाई बिल इतना आएगा। स्लीपर मेरे कहाँ गए, ये आ गए स्लीपर पहन लिए, स्लीपर के बगैर जी गुजारा बिल्कुल भी नहीं है मेरा। यहाँ पर लेकर आई हूँ आम, और क्या बनाएंगे, भिंडी, ठीक है चाबियाँ जो है घर की, और यहाँ लगा देते हैं मेरी एक साइड पे पड़ी रहती है, जब जाना होता है तो फिर फौरन जो ना इधर उधर नहीं रखती मैं। अच्छा जी यहाँ पर आ जाए, आगे आम 150 रुपये किलो ये मेरे आम, लेकिन अच्छे थे मैंने कहा चलो ले लेते हैं। अभी जूसर जो ना वो मेरा ख़राब हुआ हुआ है, रोटियां भी ले ली हैं क्योंकि आटा भी नहीं है घर पे, अभी मैं ना आटा लेने के लिए जाऊंगी, चावल भी लेकर आने हैं और काफ़ी चीज़ें लेकर आनी हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी बकरा ईद की आमद आमद है, 29 को जो है माशाल्लाह से ईद है और 28 को जो है वो चांद रात है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई भिंडियाँ और अदरक, ये मैं लेकर आई हूँ फटाफट, गई फटाफट लेकर आ गई। और यहाँ पता ही नहीं चलता कि सीढ़ियाँ ऐसे उतरते हो और ऐसे चढ़ जाते हो, ये मतलब कि ना ये ना इसके जो जीने हैं ना वो छोटे छोटे से बनाए हुए हैं ना, वो तो बहुत ऊंचा मेरा घर था, अल्लाह माफ़ करे। सातवां फ्लोर चढ़ते 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 मैं सोचती थी ऊपर से ऊपर ही ना कहीं पहुँच जाओ, बहुत गंदा घर था, अल्लाह ऐसा घर किसी को ना दे भाई, बहुत ख़तरनाक घर था। और उसमें मेरा तप्पड़ रुल गया था, चेहरा मेरा ख़राब, सब हर चीज़ मेरे मतलब कि बर्बाद होने में कुछ दिन रह गए थे। मैंने कहा भाई इससे पहले कि हम ऊपर ही चले जाएँ अल्लाह के घर पर, मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। तो बच्चों के लिए भी बहुत परेशानियाँ थी, तो चलो जी अपने घर पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करें ना कम है। ठीक है, तो गर्मी बहुत हो रही है कड़कड़दार, और बनाते हैं खाना ठीक ठीक है। अच्छा बाजार का खाना ना खाएं, आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैदे ख़राब हो रहे हैं बच्चों के। बस अपने घर में ना कुछ भी वो बोले ना घर में बना कर दो, बच्चों को प्यार से मोहब्बत से इनको समझाओ कि बेटा घर के खाने खाओ, बाहर के खाने खाने से पता क्या हो रहा है आजकल बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे सुनने को तैयार ही नहीं होते। अच्छा हम लोग भी खाते हैं, मेरे बच्चे भी खाते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है इंसान को बाजार का खाना तो रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी, तो चलें यहाँ पर भिंडी बनाते हैं, और पहले इसकी कटिंग करूँगी, और ये जो है रोटियाँ इसको रखती हूँ मैं हॉट पॉट में ताकि गर्म रहे, ठीक है ना। अभी मैं चपातियाँ लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म चपातियाँ हैं ये देखो गर्मा गर्म बहुत मज़े की मिलती हैं यहाँ पर। और अभी मैं कितने लेके लिए ले रही हूँ, वैसे तो ये 15 रुपये की, लेकिन यहाँ पर जो ना 10 रुपये की मिलती है। ठीक है जी, तो चले बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाएगा ना ब्लॉग में, बहुत कुछ है अभी, सही है। और लेती हूँ मैं छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर जी भिंडिया बन रही है, ठीक है, और मैंने ऑयल भी जो ऐड कर दिया है, अब इसमें जो काट के रखे थे मैंने प्याज ये ऐड करूँगी, इसके अंदर 2 मैंने प्याज ले लिए थे, ठीक है। और ये बहुत मज़ेदार वाली, और इस मौसम में जो ना अगर आपका दिल करे इसमें केरी तो वो भी डाल दें इसके अंदर, क्योंकि मैंने नहीं डाली है क्योंकि गले में ना वो बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं ना इस वजह से, तो लेकिन ना केरी का ना स्वाद बड़ा अच्छा जब ना भिंडियों में हम बनाते हैं ना,
और फिर घी में डाल के आप जब उसको पकाएंगे ना तो बड़ा अच्छा स्वाद आएगा। लेकिन अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो नहीं ऐड करें, अगर अच्छी लगती टमाटर के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन केरी भी इसमें हो ना उसका स्वाद अलग ही आता है। यहाँ पर लाइट से ब्राउन करूँगी मैं प्याज को, ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगी ब्राउन, इसलिए कि ना ये फिर ना इसका जायका नहीं आता, भिंडी का जो कलर होता है ना ग्रीन वो नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्याज है वो हो रहा है ब्राउन। अच्छा वो जो देखिए यहाँ पर जो ना किचन ना थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं है। वो जो किचन था ना मेरा वो बहुत बड़ा था किचन वो वाला ना, लेकिन सुकून ही नहीं था। क्या फ़ायदा ऐसे किचन का, यहाँ पे सुकून ही ना हो इंसान को, कोई फ़ायदा नहीं है। ये छोटा है लेकिन यहाँ सुकून हो, यकीन करेंगे आराम से सुकून के साथ मैं खाने पका रही हूँ, बच्चों के साथ खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी ना हम ना कि विर्फ करेंगे रुखसती इंशाल्लाह ताला, इसी घर में रुखसती करूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ना एक वक्त था कि ना बच्चियाँ अपने घर से रुखसत होती थी, जब लोन वगैरह नहीं होते थे, हॉल नहीं होते थे, तो बच्चियाँ अपने घर से रुखसत होती थी, मतलब हम लोग भी अपने घर से रुखसत हो गए थे। तो मैंने ये सोचा मैंने कहा अपने घर से ही बच्ची को रुखसत करूँगी। अभी कल जो ना बहन जी की थी डॉक्टर की और उसकी मम्मी है वो है 26 को, अभी मैं जाऊँगी परसों। लेकिन बस ये है कि नहीं दिखा सकती आप लोगों को, बताइए कि ख़ानदान में फिर बातें बनती है ना, इस वजह से कुछ भी नहीं दिखा सकती, वरना तो मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ दिखाऊँ आप लोगों को, लेकिन बस हो जाता है ऐसा, ठीक है ना। तो इसमें माइंड करने की कोई बात नहीं होती है, ख़ानदान ख़ानदान ही होता है, ज़ाहिर है वो दुख में हमारे सुख में हर जगह पर वो हमारे साथ होता है। तो बस इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं दिखाया था आप लोगों को, खाली बता रही हूँ बस, ठीक है ना। तो चले जी यहाँ पर जो है ना कुछ मसाले हैं ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। टमाटर हैं इसके अंदर, कुटी मिर्चें हैं, ज़ीरा है, अच्छा वो पिसा हुआ धनिया नहीं था साबुत, पता क्यों एक ग्लेंडर जो है ना मेरा ख़राब हो गया और अभी सही करने के लिए वो मैंने दिया, ठीक है ना, वहाँ पर उसी घर में ख़राब हुआ था, लेकिन फिर मैंने सही करने के लिए दिया ही नहीं था, एकदम से मुझे याद आया, मैंने कहा अभी तो मसाले वगैरह मुझे इतने पीसने, इतना कुछ करना है, तो इस वजह से जो ना चले यहाँ पर भिंडियाँ जो ना मैंने कटिंग भी कर ली है, ठीक है ये दिखा दूँ मैं आप लोगों को, ये देखें, ठीक है ऐसे से मैंने काट लिया, इसको धो लिया था धो के, और फिर इसमें है जी अदरक और लहसुन, सही है जिसको मैंने कूट लिया था। अभी ये कूट के क्यों बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ कि वो ग्लेंडर जो है ना वो सही होने के लिए गया होगा, अभी वो सही होकर आएगा तो फिर कहीं जाके ना ये मसाले वगैरह ना सारे इसमें पीस जाए करेंगे। अब इसकी जो ना क्या कहते हैं ये मसाले वाला है ना ये, लेकिन इसकी मशीन जो है ना ये सही करने के लिए दी है ना, और जो ना इसका ना वो था ना जग वो भी मैंने दे दिया, क्योंकि उसका जो ना वो था क्या कहते हैं उसको रबड़ वो ख़राब हुआ था, और जाहिर सी बात है कि 7-8 साल चल गया, बहुत बड़ी बात है अब तो जाहिर सी बात है उसने जो ना ख़राब होना ही था, 300 की वो मैंने दी थी मशीन, तो कितने साल चली है वो 7-8 साल चल गई बस, अब बच्चे की जान लेंगे क्या इतना तो ख़राब हो ही जाता है फिर मशीन ही। अब जाहिर सी बात है हम भी पुराने होते जा रहे हैं तो मशीनें हमारी भी ख़राब होती जा रही है, कभी डॉक्टर के पास भागो कभी कुछ करो कभी कुछ करो। तो चले जी यहाँ पर तो थोड़ी सी आँच थोड़ी सी हल्की हो रही है, क्योंकि ना ये भी चूल्हा सही नहीं है, ये देखिए ये भी चूल्हा ना उसको सही करवाना है, इसमें गैस ही नहीं होती सही, न्यूज़ल है इसके अंदर ना थोड़ा सा कचरा फंसा हुआ है तो वो भी सही करवाना है। तो अभी जो ना ब्राउन हो रहे हैं प्याज, तो जैसे ही ब्राउन हो जाते हैं सारे मसाले वगैरह ऐड कर देंगे, और लेती हूँ मैं आप लोगों से छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर जी मसाला भून चुका है, ठीक है कैसे मज़ेदार बना देना आज बन रही है भिंडियाँ बहुत मज़ेदार वाली, और अभी जो है ना इसमें ऐड कर देती हूँ बिस्मिल्लाह, चले कर देती हूँ इसको मिक्स, और हल्की आँच पर इसको जो मैं छोड़ दूँगी सबको करना मिक्स। ये बड़ी मज़ेदार वाली बनती है, इसको आप जो ना लंच पे बना सकते हैं या डिनर पे बनाएं, क्योंकि ये जो भिंडियाँ होती हैं ये ख़ासतौर पे सर्दियों की सब्ज़ी नहीं है कि गर्मियों की सब्ज़ी है, तो सर्दियों में ना इतनी अच्छी लगती है, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। चले जी कर दिया सबको मिक्स, आप इसको रखते हैं हम हल्की आँच पर छोड़ देते हैं
10 मिनट के लिए, और फिर 10 मिनट के बाद जो ना सारा कुछ बन जाएगा। हाय अभी अभी पसंद तो मैंने ऐड ही नहीं किया था, इसके भूल गई थी, अभी याद आया, मैंने कहा मैं क्या भूल रही हूँ। अच्छा ही वो पक नहीं गई बुलक्कड़ बुलक्कड़ नहीं, बस गर्मी है ना इस वजह से। फिर से इसको कर देते हैं मिक्स, आप भी मेरी तरह नहीं बनाइएगा पता चले कहीं ज़्यादा कुछ पक गया उसके बाद आप अदरक लहसुन ऐड कर रहे हो, ये नहीं करना मेरे से, तो भूले से उनके ना आप लोग नहीं कीजिएगा ऐसा तो गुरु जी तो आपको पता ही ना हो जाती है, इंसान है भाई ठीक है ना, इंसानों के साथ हजार सी बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़, जब तक हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे तो इंसान थोड़ी कहलाएंगे, सही ना, गलती इंसान से ही होती है, जानवर से नहीं होती। चलें अब तो कर दिया मैंने मिक्स, और इसको अब रख दूँगी लंच पर। आप भी कहते होंगे कैसा पसंद आ रहे चलें अभी हांडी हमारी हो जाएगी तैयार, और मेरी वीडियो आपको आप लोगों को अच्छी, अभी ना नाल पे ऊपर से आ गया था, यहाँ से लाल पे एकदम आया मेरे सर के ऊपर ना, मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, इसको भी पका दूँगी चले जी मेरा आप लोग अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर फ़ैन मैंने क्यों बंद कर दिया, आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आई पी एम मौज करेंगे यही ज़िंदगी, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और छोटा सा प्यारा सा सोना सा एक कमेंट्स भी कर दिया करें, ठीक है।